मैं आनंद शर्मा, उप महानिदेशक कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग से बोल रहा हूँ। जी सर, किसानों के लिए आप किस तरह से सेवा दे रहे हैं? देखिए, किसानों के लिए जो मौसम विभाग जो है, करीब करीब ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक कृषि मौसम जो सेवा है, बहुत ही बढ़िया तंत्र जो है पूरे देश में हमारा फैला हुआ है। इसके तहत हम लोग जो है हर स्टेट के अंदर, हमने एक जो है कि एक तो मीटरोलॉजिकल सेंटर रहता ही है, मौसम केंद्र, वहाँ पर एक यूनिट रहती है एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज यूनिट, जो मतलब कि इसमें बेसिकली जो स्टाफ होता है उसका सिर्फ एक ये काम है कि किसानों के लिए खासकर मौसम का पूर्वानुमान देना। और उसके लिए एक बड़ा अच्छा तंत्र जैसे मैंने बनाया है, उसके लिए हम लोगों ने जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमारे, और हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IIT रुड़की, यदि उत्तराखंड की बात करें, वहाँ पे हमने एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स खोल रखी हैं, जो कि करीब करीब 130 हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो ये जो हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं हमारे मौसम केंद्रों से किसानों के लिए, ये 5 दिन का पूर्वानुमान इसमें दिया जाता है, और हर मंगलवार और हर शुक्रवार को ये 5-5 दिन का पूर्वानुमान जो है हम खासकर किसानों के लिए देते हैं। और ये जो पूर्वानुमान होता है, इसके बाद इस पूर्वानुमान को हम जो है, जो हमने बताया कि एग्रोमेट फील्ड यूनिट जो हमने खोल रखी हैं डिफरेंट कृषि विज्ञान केंद्र में, और हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पर जो साइंटिस्ट होते हैं या उनका इंचार्ज रहता है, उनके पास जाते हैं, तो वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट रहते हैं। वो जो जब उनके पास ये पूर्वानुमान पहुँचता है, तो इस पूर्वानुमान को वो लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में के अंदर वर्षा आने वाली है, और मान लीजिए किसानों ने गेहूं की फसल लगा रखी है, तो हम लोग उनको बोलेंगे, भाई किसान भाइयों, आपको जो है, जैसे कि मान लीजिए गेहूं की फसल है, जब 20 से 25 दिन की होती है, तो उसको क्राउन रूट इनिशिएशन, ताज जड़ें निकलती हैं, और बहुत उस समय यदि सिंचाई ना मिले तो हमारा प्रोडक्शन जो है 20-25% कम आ जाता है। तो हम किसान भाइयों को कहते हैं, ऐसे में आपको वो जो मतलब कि सिंचाई लगानी थी उसको आप टाल लें, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और आपको वर्षा मिल सकती है, तो आप सिंचाई टाल दें। तो देखिए, आप उससे क्या होगा कि आपने पानी को बचा लिया, बिजली को बचा लिया और लेबर को बचा लिया। तो इस तरह की जानकारी, ऐसे ही मान लीजिए कि आने वाले समय में नमी बढ़ने वाली है, बदली रहने वाली है, और कोई पौधे में बीमारी लग सकती है, तो उसके बारे में हम किसान भाइयों को कह सकते हैं, भैया आप, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, आपकी आलू की फसल लगी हुई है मान लीजिए, तो उसमें तापमान जिस तरह से चल रहे हैं, तो पछेता झुलसा यानी लेट ब्लाइट पोटैटो लग सकता है। तो इस तरह की जो है मौसम पे आधारित जो कृषि सलाह है, ये हमारे जो है एग्रोमेट फील्ड यूनिट है 130 पूरे इंडिया में, वो इस तरह की जानकारी को मतलब जनरेट करते हैं। मतलब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जनरेट करा। एक समय तो ऐसा भी था बहुत पहले कि हम ही लोग एग्रोमेट फोरकास्ट भी देते थे मौसम का पूर्वानुमान, और हम लोग कृषि आधारित सलाह भी हम ही जारी करते थे। तो अब जो है वो जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हमारे एग्रोमेट फील्ड यूनिट वो करते हैं। और इसको जब को सबको करने के बाद किसानों को पहुंचाना जो है वो सबसे बड़ा लक्ष्य है। यदि आपने पूर्वानुमान दे दिया, उनको ये बता दिया करना क्या, यदि उनके पास सही समय पर नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए भी हम लोगों ने क्या किया है कि एक छोटा सा मैसेज बाद में बना दिया जाता है 200 शब्दों का, और वो जो है SMS के माध्यम से किसानों को उनके मोबाइल फ़ोन पर भेज दिया जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो है, और ये सारी जो कहलाती है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अंतर्गत आता है, और एक जो है किसान पोर्टल बना हुआ है कृषि विभाग का, भारत जो विभाग है, कृषि जो मंत्रालय है, तो वहाँ पर जो भी किसान इससे संबंधित जानकारी चाहता है, मौसम और मौसम पर आधारित कृषि सलाह, वो अपने आप को वहाँ रजिस्टर कर सकता है। तो इस तरह से अभी जो जिस तरह से पूरे देश में हम लोग करीब करीब 4 करोड़ किसान तक पहुंच पा रहे हैं, तो एक 4 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये इसका लाभ जो है ये किसान उठा रहे हैं। मगर हमारा जो है अभी जो फसलें हैं, सभी फसलों का भी हमने कवर नहीं किया, मगर हमारा आने वाले 3-4 साल में एक वो है लक्ष्य है कि हम लोग 9 करोड़ किसानों तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए जो अभी जैसे 130 एग्रोमेट फील्ड यूनिट है, हम उसको ले जाएंगे 660 एग्रोमेट फील्ड यूनिट तक। तो और फसलें भी जैसे हैं उसमें 19-20 जो हैं फसलें, और मतलब कि टोटल हम कर देंगे, यदि 19-20 फसलें हो जाती हैं और हमारी 9 करोड़ तक हम पहुंच पाते हैं, तो जो मौसम सही सटीक पूर्वानुमान से जो उनको राय मिलेगी, और उससे वो जो अपने फसलों पे होने वाले नुकसान को बचाएंगे और प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, पर्यावरण को जो बचाएंगे, उसका खर्चा जो है 1000 करोड़ में बेनिफिट के सामने आएगा।
तो और अभी आज अभी भी जो है एक नेशनल इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसमें भी पाया गया था जिस तरह का मौसम का पूर्वानुमान मौसम विभाग दे रहा है, हमारी यूनिट दे रही है, और जो किसानों को लाभ हो रहा है उससे करोड़ों करोड़ों का मतलब 100 करोड़ या 1000 करोड़ तक भी पहुँच रहा होगा मुझे लगता है जो उसका लाभ हो रहा है। तो उस लाभ को और आगे तक बढ़ाना है हमें, और इस सुविधा को मतलब ये कहें कि आखिरी इंसान तक पहुँचाना है, चाहे वो रेडियो का माध्यम हो, टीवी का माध्यम हो, मोबाइल का माध्यम हो, अखबार का माध्यम हो, इंटरनेट का माध्यम, तो सभी माध्यम को साथ लेते हुए हम इस जानकारी को आखिरी किसान तक पहुंचाने का ही हमारा लक्ष्य है। सर, जो आप मौसम पूर्वानुमान लगाते हैं वो पूरा देश वाइज होता है या स्टेट वाइज या जिला वाइज आप भी करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसका जो पूर्वानुमान दिया जाता है एक तो स्टेट लेवल पर होता है, उसके बाद होता है जिले लेवल के ऊपर कि हर जिले में, क्योंकि लोगों का मानना था पहले कि भाई एक स्टेट तो इतना बड़ा होता है, यदि मान लीजिए हम उत्तराखंड की बात करके चलेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र है, देहरादून जिला मान लीजिए ले लेते हैं तो देहरादून जिला में आपको ऋषिकेश जो है करीब करीब 200 मीटर है समुद्र तल से, और वहीं चकराता में चले जाएँ तो 3500 मीटर 4500 मीटर तक की भी ऊँचाई की पहाड़ियाँ हैं, तो इतना ज़्यादा वेरिएशन है, तो स्टेट का पूर्वानुमान नहीं काम करता है इतना सटीक, तो उसके लिए हम लोगों ने जिले स्तर पर आए हैं। मगर अब कई बार मैंने जैसे बताया देहरादून जिला अपने आप में भी इतना बड़ा है, तो अब उसको हमने लोगों का कहना है कि ब्लॉक स्तर पे जाइए, तो हम जिले स्तर पे तो दे ही रहे थे, पूरे कहते हैं इंडिया में दे ही रहे हैं जिले स्तर पूर्वानुमान, और जिले जो फोरकास्ट होती है उसके उस पर आधारित कृषि सलाह भी दी जाती है। अब हम जा रहे हैं ब्लॉक लेवल तक, तो हमने एक्सपेरिमेंटल कुछ ब्लॉक्स को मतलब जैसे कि कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में दो दो ब्लॉकों को लिया है हर स्टेट में, अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने करना शुरू कर दिया है, हालांकि अभी उसकी सटीकता इतनी अच्छी नहीं है, तो मगर हमने शुरुआत कर दी है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, जिससे कि हम देखें कि इसमें कितना मतलब सटीक निकल रहा है, और कम है सटीक तो कैसे इसको और अच्छा करना है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल जिले स्तर पर तो हम कर ही रहे थे, अब हम ब्लॉक स्तर पे धीरे धीरे आ रहे हैं। यानी कि आने वाले टाइम में पोर्टल पे किसान अपने ब्लॉक का भी मौसम पूर्वानुमान देख सकता है? जी आने वाले मतलब कुछ समय लग सकता है, अभी तो हमने एक्सपेरिमेंटल अभी वैसे तो अवेलेबल है ये हमारी साइट पे, यदि आप जाए imd.gov.in में यदि हम देखें हमारे जो पूना की वेबसाइट कृषि वाली साइट, उस पे ब्लॉक लेवल का फोरकास्ट दिया हुआ है, तो वो तो अवेलेबल है, मगर मैंने कहा अभी वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, इतनी सटीक नहीं है, मगर देख आज भी सकते हैं आप, मगर हाँ देखें और उसमें यदि आप अपने लिए देखें कितना उपयोगी है, और यदि उपयोगी नहीं है तो कहाँ गलती, तो वो आप हमें फीडबैक दें, तो ऐसा हम फीडबैक अभी कलेक्ट कर रहे हैं, और आशा करते हैं 2-3-4 साल लग सकते हैं इसमें कि जब तक इसमें और सटीकता आ जाएगी। तो सर सटीकता की अगर बात करें तो जितना आप पूर्वानुमान अभी वर्तमान समय में दे रहे हैं इसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसकी सटीकता कितनी? हाँ देखिए इसमें दो चीज़ें, एक तो सटीकता हो गई और एक हो गई यूजेबिलिटी। तो कई बार ऐसा भी होता है सटीकता में भी बहुत मतलब जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कहते प्रोग्रेस हुआ है, और आज मैं कहूँगा कि कहीं कहीं जगह तो ये मतलब कि कहीं जगहें और कहीं सीज़न, क्योंकि ये देखिए क्या होता है कि मौसम का पूर्वानुमान भी सीज़न डिपेंडेंट है, कुछ सीज़न है जैसे आप सर्दियों का मौसम है विंटर सीज़न जिसे कहते हैं, उसमें आपकी जो प्रेडिक्शन है मतलब ये मान के चाहिए 95% और 100% की है, पश्चिमी विक्षोभ आता है हमसे पकड़, हम हर बार उसको पकड़ लेते हैं, और जैसे कि अभी भी देख रहे हैं हाल ही में जो पश्चिमी विक्षोभ हुआ तो कितना बढ़िया उसको दे दिया गया था कि पहाड़ों में बर्फबारी होगी और प्लेन में वर्षा होगी, और ठीक वैसा ही हुआ, और किसानों को भी उसके आधारित बता दिया गया था, तो उसमें है। फिर उसके बाद मानसून सीजन में भी करीब करीब 80% 90% कई जगहों पर सटीकता है, और पोस्ट मानसून सीजन में तो वर्षा सबसे कम ही होती है खासकर ज़्यादातर भारत में, हाँ हालांकि उत्तर पूर्वी मानसून रहता है उस समय वहाँ पर, तो उसमें भी अच्छी सटीकता है। हाँ थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मार्च अप्रैल मई का जो है हॉट वेदर सीजन जिसे कहते हैं, या प्री मानसून सीजन, जिसमें कि सडनली आप देखते हैं कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी झक्कड़ आ जाता है, थंडरस्टॉर्म आता है, वहाँ पे अभी सटीकता इतनी नहीं है, क्योंकि वो सटीकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो सिस्टम जो बहुत जल्दी से डेवलप होता है और वो पकड़ में आता है सिर्फ कुछ घंटे पहले ही, तो उसको भी हमने पकड़ना शुरू कर दिया, जहाँ जहाँ रडार है तो 2 घंटे कई बार कहता है हम बता सकते हैं कहाँ ओला पड़ने वाला है, किस जगह पे वर्षा होने वाली है, वो भी 2 घंटे वाले बता सकते हैं, मगर सवाल ये उठता है कि उस 2 घंटे के अंदर किसान कितना उसका फ़ायदा उठा सकता है, वो एक इशू है। तो अब काफ़ी सुधार हुआ है कहते हैं सटीकता पे, और नेचुरली अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है और सुधार करने का। तो सर किस तकनीकों का प्रयोग कर आप पूर्वानुमान लगाते हैं? जी कैसे लगाते हैं? बहुत बढ़िया, देखिए मौसम पूर्वानुमान की भी अलग अलग तकनीकें होती हैं,
जैसे कि सबसे पहले शुरू करें तो सबसे आसान तकनीक है क्लाइमेटोलॉजिकल फोरकास्ट। क्लाइमेटोलॉजिकल फोरकास्ट का क्या मतलब होता है कि आपके पास 100 साल के आंकड़े पड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे 100 साल में आज ही के दिन कभी वर्षा हुई है नहीं हुई है, कहीं पता चलेगा कि भाई ये नवंबर का माह है, 100 साल से इस नवंबर 10 को वर्षा ही नहीं हुई कभी भी। तो आपको एक अगले साल यदि कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं पिछले 100 साल नहीं हुई तो अब भी नहीं होने वाली। तो ये इसको एक तरह का सिंपल मेथड कहलाता है, मगर जरूरी सटीक हो पर सटीक निकल भी सकता। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है क्लाइमेटोलॉजिकल फोरकास्ट। दूसरा होता है आपका स्टैटिस्टिकल फोरकास्ट, कि भाई आप कुछ पैरामीटर्स लेते हैं और स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं उसके आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं, मगर वो भी बहुत सटीक नहीं होता, बहुत पहले कभी किया जाता था और इतना सटीक नहीं है, हर साल नया फार्मूला बनाना पड़ता है। फिर तीसरा मेथड आ गया आपका सिनॉप्टिक मेथड। सिनॉप्टिक मेथड में हम लोग ये करते हैं कि भाई जो भी हमारे आंकड़े होते हैं मौसम के आंकड़े, जो हमारी वेधशालाओं से पूरे कंट्री में जो हमारी वेधशाला है मौसम की, वहाँ से जो आंकड़े आते हैं उसको चार्ट पे प्लॉट किया जाता है। चार्ट प्लॉट करने के बाद उसको एनालिसिस की जाती है, पहले मैनुअल होती थी, आजकल कंप्यूटर करता है। और उसके बाद में एनालिसिस क्या होता है बेसिकली, कि हम उसको एनालाइज करते हैं कि भाई लो प्रेशर सिस्टम कहाँ है, हाई प्रेशर सिस्टम कहाँ है, ट्रफ कहाँ बना हुआ है, रिज कहाँ बनी हुई है, उसके आधार पर पता चलता है भाई कहाँ पर नमी आ रही है समुद्र से, हवाएँ कैसी हैं, तो नमी लेके आ रही है या रेगिस्तान से आ रही है तो सूखी और ड्राई हवाएं होंगी, टेम्परेचर पहाड़ से आ रही है तो ठंडी होंगी। तो ये सारी एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन करने के बाद फोरकास्ट को जनरेट किया जाता है। तो एक तो मेथड ये रहता है सिनॉप्टिक। अब आजकल जो है आ गया, क्योंकि अब लोगों को आगे तक का पूर्वानुमान चाहिए, पहले हम शॉर्ट रेंज फोरकास्ट देते थे 2 दिन की आगे के लिए, तो किसानों ने कहा नहीं साहब अगले 2 दिन से मेरे काम नहीं बनता, मुझे तो प्लानिंग करनी पड़ती है, तो मुझे 5 दिन का पूर्वानुमान दिया जाए। तो आया मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की 5 दिन का, तो उसमें अब 5 से 7 दिन तक जो है उसको काउंट किया जाता है। जैसे मैंने बताया मंगलवार और शुक्रवार को 2 बार हम देते हैं 5-5 दिन का फोरकास्ट, वो मीडियम रेंज फोरकास्ट में आता है। तो ये जो होता है न्यूमेरिकल मॉडलिंग किस तरह तहत होता है, इसमें हमारे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर रहता है जिसको हम मॉडल कहते हैं, और इस मॉडल को हम कंप्यूटर पे लोड कर दें और इमेज वो चाहता है कि अभी इस समय क्या तापमान है, ह्यूमिडिटी, जो बेसिक आंकड़े होते हैं एटमॉस्फेयर के, वो आंकड़े इसमें हम डालते हैं ऑब्जर्वेशंस जो पूरे देश की, इसके बाद इसको कंप्यूटर को रन किया जाता है, इस सॉफ्टवेयर को, वो मॉडल फिर फोरकास्ट को जनरेट करता है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मेथड। तो इसमें भी क्या होता है कि एक तो हो गया, इसे कहते हैं जो मशीन फोरकास्ट, क्योंकि कंप्यूटर ने इस फोरकास्ट को जनरेट किया है। मगर अब सवाल आता है कि कई बार क्या होता है, आपका अपना पास्ट एक्सपीरियंस रहता है, मान लीजिए आप पहाड़ में, जैसे मैंने उत्तराखंड में काफ़ी साल काम किया, सिक्किम में मैंने काम किया और जम्मू कश्मीर के ऊपर काम किया, तो पहाड़ों का मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि भाई यहाँ पे मसूरी का पहाड़ है, यहाँ नैनीताल का पहाड़ है, तो ये यहाँ श्रीनगर में ये वाला सामने पड़ा शंकराचार्य हिल है, तो ये कैसे उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो मैं उसको अपनी जो मेरी होगी मैन, उसकी जो मेरा एक्सपीरियंस होगा उसको भी फोरकास्ट में लेके थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, उसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। तो जो कंप्यूटर ने, जो मशीन ने फोरकास्ट जनरेट करी वेदर प्रेडिक्शन, उसको मैं अपने एक्सपीरियंस से जोड़ के उसको वैल्यू एडिशन करता हूं, वो किसानों तक हम पहुंचाते हैं। तो इसको कहते हैं मैन मशीन मिक्स। तो ये मैन मशीन मिक्स से जो है इंप्रूवमेंट हो जाती है फोरकास्ट की, वरना यदि सिर्फ मशीन नहीं फोरकास्ट करना तो फिर तो मैन की जरूरत ही नहीं है। और इसी कारण जो होता है जो लोग सिर्फ मशीन फोरकास्ट यूज करते हैं काफी बार गलत भी जाते हैं। तो उस कैसे हमने उसको इंप्रूव करना है, तो उसको हम इंप्रूव कर रहे हैं। फिर अब किसानों ने बोला साहब आपने हमें तो पूर्वानुमान दे दिया 5 दिन का, मुझे तो कई बार प्लानिंग करनी होती है 15 दिन पहले या इतना दिन पहले, तो आप मुझे उसका, तो हम लोगों ने एक नया शुरू किया एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, तो अगले चार हफ्ते में मौसम कैसे होने जा रहा है उसका भी हमने पूर्वानुमान जारी शुरू किया। पर हमने पाया उसमें जो तीसरा और चौथा हफ्ता है उसमें मौसम का पूर्वानुमान इतना बेहतरीन नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए हमने क्या करा, उसका पहले 2 हफ्ते में ठीक ठाक जा रहा है तो उसकी जानकारी भी हम उसको मतलब कि पहुँचा रहे हैं किसानों तक उसको डिफरेंट माध्यम से। और प्लस जैसे कि हम लोग, मैं खासकर जाता हूँ हर फ्राइडे जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कृषि मंत्रालय में, वहाँ होता है क्रॉप वेदर वॉच मीटिंग, जहाँ पे हर हफ्ते जो है पिछले हफ्ते मौसम कैसा रहा उसके ऊपर चर्चा में बताता हूँ वो कैसा रहा, और अगले 2 हफ्ते कैसा मौसम होने जा रहा है उस पर भी, तो जिससे कि जो मंत्रालय है फर्टिलाइजर अरेंज करवाना है, सीड अरेंज करवाना है, रिजर्वर में पानी है कि नहीं है, इरिगेशन के लिए कहाँ से पानी को उपलब्ध कराना है, तो ये सारी चीज़ों पर चर्चाएँ होती हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको भी ये फ़ायदामंद हो रहा है। तो इस तरह का मतलब एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट भी दिया जा रहा है। सर अधिकतम कितने दिनों का पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं? देखिए अभी लगाने की जहां तक सवाल है, जैसे मैंने बताया कि आपको डिफरेंट तरह की फोरकास्ट दिए जा रहे हैं, नाउकास्ट अगले 2 घंटे में कैसा होने जा रहा है, जहां जहां रडार उपलब्ध है वो दिए जा रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट रेंज फोरकास्ट हमेशा 2 दिन का वो तो पहले दिया ही जाता, अभी भी अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर,
5 दिन का किसानों के लिए स्पेशल दिया जा रहा है, उसके साथ साथ जो एक्सटेंडेड रेंज का भी है अब हमने शुरू कर दिया है कि अगले 2 हफ्ते कैसा रहेगा, मगर उसमें भी सटीकता इतनी कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं, वो भी एक दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ फिर हम लोग सीजनल फोरकास्ट देते हैं। अच्छा। जैसे कि मानसून का आपको मालूम है अप्रैल मई में भी पूर्वानुमान जारी कर दिया जाता है अगले 4 महीने में मानसून कैसे होने जा रहा है। हालांकि हम ये नहीं कहते उसमें कि मतलब कितने कितने डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा रेनफॉल का, मगर हम ज़रूर ये बात कह देते हैं कि भाई जून जुलाई अगस्त 4 माह में पूरे देश भर में इतना वर्षा मिलेगी, नॉर्थ वेस्ट जोन है जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें इतनी मिलेगी, दक्षिण भारत में इतनी मिलेगी, पूर्वी भारत में इतनी मिलेगी, पश्चिम भारत में इतनी, तो वो हम बताते हैं। तो इस तरह का है, तो कहने का मतलब कुछ महीनों आगे तक भी बताया जा रहा है, मगर ये ध्यान रख लें कि जब भी आप बहुत लंबे समय की फोरकास्ट देते हैं तो उसमें गलत होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। सर आपने 100 साल आंकड़े की बात की, और अगर हम आज के 20 साल पहले का भी जलवायु देखें तो आज का जलवायु परिवर्तन बहुत कुछ डिफरेंट हो गया है जी। आपको पूर्वानुमान लगाने में किन तरह की चैलेंजेस आते हैं, खासकर जब आप पुराने आंकड़ों पे पूर्वानुमान निकालते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस आपके पास? नहीं देखिए, चैलेंजेस तो ये है कि देखिए सबसे पहली बात है कि हर जगह तो 100 साल के आंकड़े आपके पास उपलब्ध है नहीं, कहीं तो ऑब्जर्वेटरी नहीं लगी है तो वहाँ, पर जहाँ 100 साल या लंबी अवधि के आंकड़े पहले तो उसको काफ़ी फायदेमंद होते हैं आपके पास, क्योंकि एक तो आपको पुराना ट्रेंड मालूम पड़ जाता है उससे, और आप जब देखेंगे जब आपके पास लंबी अवधि के आंकड़े होंगे तो आप पाएंगे जो चीज़ें पहले हुई थी अब वो दोबारा से रिपीट हो रही हैं जी। और जहाँ आपके छोटे से आंकड़े हैं 10 साल 15 20 साल के, तो आपके पास पुराना मालूम ही नहीं कि वहाँ पहले कभी भारी वर्षा हो भी चुकी है, तो आप कहोगे यार ऐसे तो पहले कभी होता नहीं था, अब हो रहा है। मगर यदि पुराने आंकड़े होते हमारे पास तो आप बता सकते थे, जैसे देहरादून मुक्तेश्वर और अन्य चेन्नई जहाँ हमारे पास, तो हम पाते हैं कि उत्तराखंड में जैसे बाढ़ आई उस समय भारी वर्षा, तो उस आज से 70-80 साल पहले भी इतनी इतनी जबरदस्त बारिशें हो चुकी थी, चेन्नई में बाढ़ पहले इतनी बेहतरीन आ चुकी थी। तो ये सब पुराने आंकड़े से ये फायदा, लंबे आंकड़ों से ये फायदा होता है, आपको ये मालूम हो जाता है कि चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं कोई नहीं, हाँ शायद पहले इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना अब होता है, और उसका कारण इसलिए है क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है नदी के जो जमीन है उसको एनक्रोचमेंट करके अंदर घुस के मकान बना रहे हैं, खेत नदी के अंदर बना दिए, तो अब नुकसान भी ज़्यादा होगा। तो उसको यदि सीधा सीधा लिंक करना ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से, यदि आप कहीं सोचें तो वो इतना मुझे लगता है मेरे हिसाब से वो जल्दबाजी होगी। मगर हाँ आज जैसे आपने कहा कि प्रेडिक्शन के लिए, तो प्रेडिक्शन के लिए तो देखिए अभी सवाल ये उठ रहा है कि दिन पर दिन तो हमारा प्रेडिक्शन इंप्रूव होता जा रहा है, प्रेडिक्शन तो हमारा इंप्रूव हुआ है और किसान भी इसका बता रहे हैं हर जगह, जो फीडबैक मैं भी आपको बताऊंगा कि मैंने किसानों का, तो किसानों को बहुत अच्छा फीडबैक मिला हमको, किसान तो फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई कैसा रहा, तो उनको हमारी सेवा पर विश्वास बढ़ा है। और मैंने कहा कि स्कोप है इंप्रूवमेंट का, और स्कोप इसलिए इम्प्रूवमेंट का है क्योंकि अभी हम जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो बेसिकली मॉडल जो है नेचर की इमिटेशन है। हमने पूरी नेचर को प्रकृति को तो अभी पूरा समझा नहीं है, यदि पूरा समझ लेगा जो तो भगवान भी मुझे लगता नहीं समझ पाए। तो जैसे जैसे हमारा उसके बारे में नॉलेज बढ़ती जा रही है, हमारे बेहतर मॉडल आते जा रहे हैं, और कंप्यूटिंग पावर जैसे बढ़ रही है तो उससे वो हो रहा है। अब पहले क्या होता था, एक समय होता था लोग कहते थे कि भाई मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है तो कहते वायुमंडल के आंकड़े ही काफ़ी हैं, तो बाद में कहा नहीं 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 समुद्र भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो समुद्र के आंकड़े भी हमने जुटाने शुरू कर दिए, उन दोनों को लिंक किया, लीनों का प्रभाव देखना शुरू किया। फिर किसी ने कहा अरे नहीं नहीं अभी तो ये हो गया, पहला तो हो गया एटमॉस्फेयर, दूसरा हो गया आपका हाइड्रोस्फेयर समुद्र, फिर तीसरे का नहीं नहीं जो आर्कटिक और अंटार्कटिक पे बर्फ पड़ी है उसको कहते हैं क्रायोस्फेयर या हिमालय के ऊपर, उसका भी प्रभाव पड़ता है, उसके भी आंकड़े हमने जुटा दिए उसके अंदर बॉटल के अंदर, और फर्दर रिफाइनमेंट हुआ। बाद में किसी ने कहा नहीं 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 लिथोस्फेयर भी है, आपकी जमीन भी है उसमें जो सॉयल मॉइस्चर है वो कैसे प्रभावित कर रहा है, वो लिथोस्फेयर को भी ले लिया। फिर किसी ने कहा नहीं साहब बायोस्फेयर भी है इसके अंदर, क्योंकि पेड़ हैं उसमें से वाष्पीकरण हो रहा है, एवोपोट्रांसपोरेशन वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी डाला। तो जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है, हम उस नॉलेज को समझ के अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, उसको हम मॉडल के इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उस मॉडल को, और इनकॉर्पोरेट करना उसमें वो भी इतना आसान नहीं, वो सब कर रहे हैं। और कंप्यूटिंग पावर जैसे जैसे बढ़ रही है, सैटेलाइट आ रहे हैं हमारे पास, तो सैटेलाइट से हमारे पहले कहीं ऐसी जगह थी जहाँ पे वेधशालाएँ नहीं थी, जानकारी नहीं थी समुद्र के बीच में 1000 किलोमीटर पर तूफान है कि नहीं, आज दिख जाता है माउंट एवरेस्ट पे क्या हो रहा है दिख जाता है आजकल, बादलों के सटीक हो जाती है बादल किस दिशा में जा रहे हैं उससे हवाओं का रुख पता चल जाता है। तो ये सारी जो सैटेलाइट से जानकारी वो भी हमारे मॉडल में जा रही है, रडार से हमें जानकारी मिल रही है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें जा रही है, उससे सटीकता बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, और आशा करते रहते हैं कि हम आने वाले दिन में और सटीक हो जाएंगे।
यानी सर हम ये कहें कि किसानों की आय दोगुनी करने में मौसम विज्ञान का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब आप पूर्वानुमान लगाते हैं उस हिसाब से तैयारी किसान करके अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं जैसे बताऊं आपको कि एक सिंपल सा दो तीन एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। उत्तराखंड में जब मैं निदेशक था मौसम विभाग का और कृषि मौसम सलाह का भी मैं इंचार्ज था, तो आप यहाँ देखिए कि जब जब पश्चिमी विक्षोभ आता था तो हम किसान भाइयों को कहते भैया अगले 48 से 72 घंटे में वर्षा आने वाली है और आपकी फसल जो है जैसे 20 से 25 दिन में है और आपको उसमें सिंचाई करना ज़रूरी है, मगर आप सिंचाई टाल दें और वर्षा आने वाली है। तो जब वर्षा आ जाती है तो आप देखिए कि एक सिंचाई बच गई, लगता है एक सिंचाई बची है, मगर आपके पास वहाँ पे 7 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि है और एक हेक्टेयर सिंचित भूमि को आपको सिंचाई देनी है तो उसका कम से कम खर्चा 500 रुपये आता है। तो आप सोचिए 7 लाख, मान लीजिए 7 लाख ने भी नहीं सुना, 1 लाख हेक्टेयर किसानों ने सुन लिया, उसको 500 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? करोड़ों रुपया हो गया। तो एक सटीक पूर्वानुमान करोड़ों रुपया, और ऐसा मैंने कम से कम 15-20 बार करा होगा। तो आप सोचिए वो कितना का, ये तो मतलब 250-500 करोड़ से ऊपर चला गया। तो हम लोगों ने अपनी जो सर्विस में जितनी सैलरी हमें मिल रही है उससे ज़्यादा सैलरी हम कमा चुके हैं, और बल्कि रिटायरमेंट तक अपने स्टाफ की भी सैलरी हमने कमा दी है। तो एक तो ये उदाहरण हो गया। दूसरा जो है, किसान भाई मान लीजिए कि पौधे पे उसकी बीमारी लगी हुई है, आपने कहा नहीं साहब देखिए आपको स्प्रे करना है, मगर अभी ठहर जाइए क्योंकि वर्षा आने वाली है, यदि आपने अपनी कहीं खाद लगा दिया और स्प्रे कर दिया तो बारिश से बह जाएगा, तो आपका वहाँ नुकसान हो गया, लीचिंग होगी, ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड होगा, बह के जाएगा लेक में जाएगा, नदी में जाएगा, वहाँ मच्छी में जाएगा, पोल्यूटेंट बढ़ता जाएगा, बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, आप खाएंगे बीमारी होगी, कैंसर हो जाएगा। तो वहाँ पर भी हम पैसा भी बचा रहे हैं और पर्यावरण को भी बचा रहे हैं और ह्यूमन के स्वास्थ्य को भी बचा रहे हैं, ह्यूमन के स्वास्थ्य को भी बचा रहे हैं और उसको बेहतर कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कितना बेहतरीन इसका लाभ सबको मिल रहा है और उसको पता है अब आजकल कब बुआई करनी है, कब फसल को कटाई करनी है। एक और उदाहरण बड़ा अच्छा दूंगा, एक बार की किसान हम जो यही नहीं करते, हम लोग साथ साथ जाके फिर कहते कृषि मेले करते हैं, वहाँ पे भी लोगों को जागरूकता फैलाते हैं, उसके बाद हम लोग जो है फीडबैक जाते हैं किसानों के पास, उनके खेत में जाते हैं, वहाँ आसपास के किसानों को सबको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं भाई आपको हमें हमारी ये जानकारी मिल रही है या नहीं मिल रही है, बोलते साहब मिल रही है। तो कैसे मिल रही है? रेडियो से मिल रही है, टीवी से मिल रही है आपको, या अखबार से? तो वो बताते हैं, हमें फीडबैक देते हैं और कोई आपको इससे फ़ायदा हुआ। तो ऐसा ही एक बार हरिद्वार में हम किसानों से बात कर रहे हैं तो किसान ने बोला साहब आपको मैंने टीवी देखा था और आपका अखबार में पूर्वानुमान आया था कि भाई अगले 2 से 3 दिनों में वर्षा आने वाली है, तो साहब मेरी जो है तोरियां की फसल तैयार पड़ी थी, तो मैंने फटाफट जाके उस तोरिया की फसल को काट लिया, और यदि मैं नहीं काटता तो तैयार थी तो बूंदे पड़ती तो दाना बिखर जाता और मेरी फसल खराब हो जाती। तो मैंने कितना फायदा हुआ, कहते साहब मेरे 1 लाख रुपया मेरा नुकसान हो जाता है। तो अब ये देखिए, तो ऐसा अनेकों बार हो चुका है और पूरे भारतवर्ष में जो है इस तरह का फायदा किसानों को मिल रहा है। तो बिल्कुल जो जैसा कि हमारे माननीय कहते प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं हमें किसानों की आय को दुगना करना है, तो उसमें तो मौसम विभाग जो है बिल्कुल जो है बिल्कुल तन मन से जो कार्य कर रहा है और ये इसके रिजल्ट भी मतलब कि देखने को इतने सालों से हमें मिल रहे हैं और दिन पर दिन इसका फायदा बढ़ता जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में 3-4 साल में हर किसान तक पहुँचेंगे और हर माध्यम को मदद लेते हुए उनका मतलब फसल को जो मौसम से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाएंगे, अच्छे मौसम का जो फायदा उठा सकते हैं किसान वो बताएंगे उनको, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, किसान आपको देख रहे होंगे, आपकी बातें सुन के वो काफी लाभान्वित हुए होंगे, आपने फसल क्रांति के साथ अपना अमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। किसान भाइयों, कंपनी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कृषि संबंधित वीडियो के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे चैनल के सभी वीडियोज़। धन्यवाद।